Hello, students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. Here, the 12th standard 5th video, chapter number 1 the solid state. Next part is here formula of a compound and number of the voids fill. Now, here we have already saw that uh, there is a crystalline solids and their types and all things already we have discussed if we have a compound how many voids are there and how it is filled that we are to today discuss now here they have given that there are two types of arrangement possible one is that one cubic close pack or second name for that is face central cubic and the second one is hexagonal close pack in ionic compound तो भाई कोई भी आपके यहाँ पे दिया है उन्होंने कि आपका जो आयनिक कंपाउंड होता है उस आयनिक कंपाउंड में दो तरह की अरेंजमेंट पॉसिबल होती है एक सी सी जिसको हम क्यूबिक क्लोज पैक बोलते हैं और उसका दूसरा नाम है फेस सेंटर क्यूबिक और सेकंड है अरेंजमेंट हेक्सागोनल क्लोज पैक तो दो वर्ड्स उसमें मिलती है एक ऑक्टाइड्रल और दूसरा है टेट्राइडल राइट चलो तो उसको एक एग्जाम्पल की सहायता से हम देखते हैं कि दो तरह की वर्ड्स कैसे होती है उसके पहले हमने टेट्राइडल और ऑक्टाइडल वर्ड्स का देख लिया अब इसमें एक है हमारा सी 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 क्लोज पैक और दूसरा एग्जागोनल उसमें किस तरह से आएगा उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ए प्लस जो है वो आपका कटायन है और बी माइनस जो है वो अनायन है As there is only one octahedral voids per atom in a cubic close lattice, so all octahedral voids will be occupied by A+ plus and number of A+ plus is equal to B- minus I. Example is sodium chloride. इसके पहले हमें पता ही है कि जितने number of atoms होते हैं, उतने ही number of octahedral voids होती हैं। हमने इसका formula इसके पहले discuss किया था, right? तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोज इन जनरल ए और बी का जिसमें ए प्लस कटायन है बी माइनस अनायन है तो यहाँ पे जितनी भी ऑक्टेडल वॉइड्स होगी वो ए प्लस से ऑक्यूपाइड होगी क्योंकि वो छोटा आएगा कटायंस नाइट और बी माइनस जो होगा उसके अराउंड में होगा एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड ले लो जिसमें सोडियम एन ए प्लस आयन जो कटायन है उस सभी ऑक्टाइडल वॉइड्स ऑक्युपाई करेगा सी एल माइनस जो है वो क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा राइट अब यहाँ पे ए, एक तरह का बता दिया कि चलो भाई हमारे इसमें सीसी या एग्जागोनल में दो तरह की वॉइड्स ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राइड्रल उसमें से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जिसमें हम देखते हैं कि एक ए प्लस है और बी माइनस है राइट सोडियम क्लोराइड का दिया तो यहाँ पे Na प्लस जो ऑक्टाइडल वर्ड्स में आएगा Cl एल माइनस आपका क्यूबिक्लोज पैक स्ट्रक्चर में आएगा लेकिन सपोज अभी हम टेट्राइडल वर्ड्स की बात करते हैं तो हमें इसके पहले भी एक फार्मूला पता है कि जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उसका टू टाइम्स जो होता है ऑक्टाइड टेटराइडल वर्ड्स होती है मतलब ऑन द अदर हैंड देयर आर टू टेट्राइडल वर्ड्स पर ऐटम इन क्यूबिक क्लोज पैक लेट राइट क्लोज पैक में दो दो ट्र, ट्रेट्राइडल वर्ड्स आएगी पर एटम के लिए बी माइनस आयन जो है आपका इट ऑक्युपाई जो अनायन होता है क्लोज में आएगा और ट्रेट्राइडल वर्ड जो होगी वो कटायन से मतलब ए प्लस आयन से ऑक्युपाई होगी नाउ हियर सो फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज ए टू बी क्योंकि यहां पे आप देख लो कि टेट्राइडल वॉइड्स जो है वो ए प्लस से आ रही है और वो डबल है इसीलिए आपका ए टू कटाइन और बी माइनस सिंगल दिया है इसका एग्जाम्पल है सोडियम ऑक्साइड जिसको एंटीफ्यूराइड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है तो ए हो गया आपका फॉर्मूला पे कंपाउंड और कितने नंबर ऑफ वर्ड्स ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे हमें वो एग्ज़ाम में भी आपको आते हैं लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ दो केसेस डिस्कस की एक टेटराइडल वर्ड्स की और एक ऑक्टाइडल वर्ड्स की ऑक्ट्राइडल वर्ड्स के लिए मैंने आपको सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया जितने नंबर ऑफ आइटम्स हो गए उतने ही आपके ऑक्टाइडल वर्ड्स होगी और दूसरा एग्जाम्पल में हमने सोडियम ऑक्साइड देखा जिसमें टेटराइडल वर्ड्स जो होती है वो नंबर ऑफ से डबल होती हैं तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड है तो ऑक्टाइड सॉरी टेटराइडल वर्ड्स सोडियम से ऑक्योपाई होगी और ऑक्साइड आयन जो है वो आपका क्योंकि क्लोज पैक लैटिस में आएगा तो इस तरह से हमने दो एग्जाम्पल किए अब किस तरह से हम लोकेट करेंगे टेट्राइडल और ऑक्टाइडल वॉइड्स को उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं नाउ यार लोकेटिंग कि भाई किस तरह से लोकेशन होगा टेट्राइडल वॉइड्स का ऑक्टाइडल वॉइड्स का उसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर एक यूनिट सेल लेते हैं क्यूबिक क्लोज पैक या एफ सी की जिसमें एटम्स कॉर्नर में भी होंगे और एट द सेंटर ऑफ ईच फेस देर आर सिक्स फेसेस इन क्यूबिक क्लोज पैक चलो भाई हमें लोकेशन दिखाना है कि किस तरह से, से टेटराइडल और ऑक्ट्राइडल बॉयड्स होती है तो उसके लोकेशन के लिए पहला डिस्कस करेंगे ट्रेटराइडल बॉयड्स का तो उन्होंने एक सी या क्यूबिक क्लोज पैक या एफ वाला एक लैटिस लिया है तो उसमें आपको पता ही है भाई कि उसमें क्या होता है सी सी पी क्यूबिक क्लोज पैक या आपका दूसरा है फेस सेंट्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर में तो देयर आर एटम्स दे एट द कॉर्नर एट कॉर्नर में हो गए और देयर आर एटम्स एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस राइट सो so, एक यूनिट से यहाँ पे नीचे दिखाया उन्होंने उसको डिस्कस करने के लिए देख लीजिए कि भाई एक आपका पीछे उसकी डायग्राम दी है मैंने ए थोड़ी खराब थी इसलिए पीछे उसको ड्रा किया है एक यूनिट सेल है जिसे देख लीजिए यहाँ पे दिया है यहाँ पे यूनिट सेल है दिख रहा है आपको एंड इन दिस यूनिट सेल दे आर डिस्कस दैट वन कि भाई यूनिट सेल में एट आपके स्मॉल क्यूब्स है एंड ईच स्मॉल क्यूब हैव फोर एटम्स एंड वेन दिज एटम्स ज्वाइन मेक अ टेट्रा हेड्रॉन एंड देर आर एट टेट्राइडल वर्ड्स इन सी कैसे होगा ये तो देख लीजिए यहाँ पे जिसे अगर ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको दिखा रही हूं तो इसमें आपको दिख रहा है कि देयर आर यू फाइंड दैट एट स्मॉल क्यूब्स आर देयर एंड इन ईच क्यूब देयर आर फोर एटम्स राइट एंड सो यू फाइंड दैट एट इन दिस होल यूनिट सेल देयर आर एट स्मॉल क्यूब्स सो नेचुरली देयर आर दे आर गिवन दैट द नंबर ऑफ द टेट्रेडल वॉइड्स आर ऑल्सो एट

तो एट कॉर्नर में हो गए वन एटम और वहां पे आपके सेंटर में हो गए फॉर ईच फेस थ्री एटम्स तो नंबर ऑफ एटम्स आर फोर इन एफ सी सी एंड यू फाइंड दैट यहाँ पे यूनिट सेल में आपके एट स्मॉल क्यूब्स दिखाए हैं राइट सो हर स्मॉल क्यूब में फोर नंबर ऑफ एटम्स हो गए राइट right? तो so, इस हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स फोर है तो आपके एट स्मॉल क्यूब्स के एट्राइडल वॉइड्स हो गई और ओ नंबर ऑफ एटम्स से डबल हो गए इसी तरह से लोकेशन हम ऑक्टाइडल वाइड्स की भी देखेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे किस तरह से ऑक्टाइडल वाइड्स को हम लोकेट कर सकते हैं लेटेस्ट कंसिडर ए यूनिट सेल ऑफ सी सी पी या एफ सी सी स्ट्रक्चर चलो भाई एक क्यूबिक क्लोज पैक या फेस सेंटर क्यूबिक का एक यूनिट सेल लेते हैं जैसे यहाँ पे ऊपर भी है ये भी है जिसमें आपके एट आपके एटम्स आएंगे एट द कॉर्नर एंड one at, uh, at the center of each face six faces are there each face is having a atom also at the center of that one having atom at the corners and at the center of each faces right now the center of the cube johoga the whole cube the center we will consider o right the center of the cube o is surrounded by six atom on center of six faces With join make octahedral. जस्ट हियर they have given both thing here but only one अगर आपको देखनी है अगर आप सिर्फ इसको रहने दो एज वाले को तो आपको ये दिख रहा unit cell और यूनिट सेट के सेंटर में सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ सेंटर ओ तो इसको सराउंडेड atom है हाउ मेनी atoms आर देयर सिक्स एटम्स एंड इस सिक्स एटम को जब आप join करते हैं तो join करने के बाद वो octahedral face फेस बनाता है यहाँ पे दिख ही रहा है वन टू थ्री फोर फाइव और यहाँ पे आपका सिक्स तो सिक्स एटम सराउंडेड है तो यहां पे तो होगा सेंटर में लेकिन इन एडिशन सेंटर के साथ साथ इन एडिशन टू बॉडी सेंटर द ऑक्टाइडल वॉइड्स एट द सेंटर ऑफ द ईच एज ये जो आपको एज दिख रही है उसकी राइट देर आर ट्वेल्व एजेस फॉर दिस वन राइट तो हर ऐज में आपका जो होता है ऑक्टाइड्रल वॉइड्स होता है देखो यहाँ पे दिखा है वॉइड्स राइट सो इट इज सराउंडेड बाय सिक्स एटम मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्टाइड्रल वॉइड्स एक वन इज एट द सेंटर वेयर सेंटर ओ इज सराउंडेड बाय सिक्स एटम एंड अगेन फॉर द यूनिट सेल्स देयर आर ट्वेल्व एजेस एंड यू फाइंड वॉइड्स आर द सेंटर ऑफ ईच एज And it is surrounded by six atom. तो जरा देख लेते हैं यहाँ पे इन सी सी पी यूनिटल आपका जो क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है उसमें ट्वेल्व एजेस आती है आपकी ये ये जो साइड में आपकी दिख रही है दीज आर ट्वेल्व तो हर एक एज में हरे वन

हर एक केज की वन वन तो ट्वेल्व का ट्वेल्व होगा लेकिन वही एज और दूसरे फोर के साथ शेयर है तो वन बाय फोर से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स हाउ मेनी ऑक्ट्रेडल अवॉर्ड्स आर देयर थ्री अगेन रिपीट इट एज देयर आर ट्वेल्व एजेस यहाँ पे आपको किनार दिख रहे ट्वेल्व है राइट right? इस तरह से ट्वेल्व एजेस है तो ट्वेल्व एज होने के कारण यहाँ पे ट्वेल्व ऑक्ट्रेडल अवार्ड्स आएगी लेकिन दिस एज You find that whatever that it is again shared with other four adjacent unit cells, right? So you can say that the number of octahedral voids is equal to 12 multiply 1 by 4. So for one CCP, there are three octahedral voids for the A's, right? And one is for the central. So octahedral voids at the body center is equal to 1, octahedral voids at the uh, you can say that H is three, so one plus three is equal to four. So number of atoms in FCC or CCP are four, and the number of octahedral voids are also four. So both are equal in what CCP or FCC structure for octahedral voids. For tetrahedral voids, the number of atoms is equal to two multiply tetrahedral voids, right? Double hoti hai. दीज आर द लोकेशन फॉर टेटराइडल वर्ड्स एंड ऑक्ट्राइडल वर्ड्स नाउ आई वु लाइक टू डिस्कस विथ यू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज दैकिंग इफिशेंसी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किस तरह की पैकिंग इफिशेंसी होती है किस तरह से होता है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नव यार इन वॉट एवर यू कैन से वे कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर पैक there is always some free space left in the form of voids we have joby constituent particle lete hai, these are packed you find that whatever constituent particle are packed there is always some free space left in the form of voids and thus the percentage of the total space filled by the particle is packing efficiency hum, जितने भी कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल ले गए सपोज और उनको एक तरह से अरेंज करते हैं अरेंज करने के बाद भी कुछ ना कुछ स्पेस उसमें रह जाती है सपोज आइटम्स लिए हमने उनको एक खास तरह से अरेंजमेंट किया हमने फिर वो क्यूबिक क्लोज पैक हो आपकी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक हो कोई भी तरह की हो सिंपल यूनिट सेल हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ स्पेस उसके अंदर बचती है जो वर्ड्स तरीके से हम जानी जाती है परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फील्ड बाय द पार्टिकल इज पैकिंग एपिस जो टोटल परसेंटेज होता है आपके स्पेस का जो पार्टिकल फिल करता है मतलब पूरी स्पेस थी उसमें से पार्टिकल वहाँ अरेंज हुए फिर उस पार्टिकल ने जो कुछ स्पेस अकुपाई की परसेंटेज ऑफ दैट स्पेस ऑफ दैट वन होल वी कॉल इट पैकिंग एपिस राइट सपोज मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें ट्वेल्व मैंगोज आ सकते हैं राइट right? अब मैंने उस मैंगो अंदर रखा और मैंने उसमें टेन मैंगो सपोज रखे तो हम बोलेंगे कि जो टोटल परसेंटेज जो आपका जो द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस थी दैट ऑफ फील बाय द मैंगोज बराबर इज द पैकिंग एफिशिएंसी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी आई राइट मतलब कुछ ना कुछ ट्वेल्व की कैपेसिटी वाला बॉक्स था उसमें दस मैंगो हमने रख दिए बराबर है मतलब तो उतना उसने अकुपाई किया लगभग राइट तो उस हिसाब से उसकी पैकिंग इफ़िशेंसी के हिसाब से हम उस तरह से बात कर सकते हैं कि भाई उसकी इस एटी परसेंट जितना हमने उसने पैकिंग इफ़िशंसी की अभी भी स्पेस है बची हुई उस हिसाब से एक सिंपल एग्जाम्पल दिया हम थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर ले हम उसका डिस्कशन करेंगे जैसे इन क्यूबिक क्लोज पैक और एफसीसी में जैसे इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक क्यूबिक क्लोज पैक और फेस सेंट्रल क्यूबिक इन तीनों में कितनी होती है पैकिंग इपिस चलो भाई एक काम करते हैं लेट द रेडियस यहाँ पे उन्होंने दिखाया है आपका देख लो कि यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैक में दिखाया उन्होंने एक डायगोनल इस तरह से होता है कि एटम्स जो होते अलॉन्ग द डायगोनल्स दे टच टू ईच अदर होते जो डायगोनल में होते हैं एफ में वो एक दूसरे को टच करते हैं तो भाई लेट लेट द रेडियस ऑफ ईच स्पीयर जो है वो हम स्मॉल ले आर ले लेते हैं रेडियस एंड एज ऑफ द यूनिट सेल जो एज होती है वो एज हम लेते हैं कितनी स्मॉल ए नाउ एफ के लिए नंबर ऑफ़ द स्पीयर्स आपको पता ही भाई कैसे हो गए एफ में एट द कॉर्नर एट होते नंबर ऑफ एटम्स और वो उसका वन बाई एट पार्ट शेयर होता है प्लस उसके सिक्स फेसेस आते हैं उसमें भी हाफ ऑफ जो आइटम होता है वहाँ पे होता है इसलिए क्योंकि वो नेबरिंग दूसरे यूनिट सेल से शेयर होता है वन यूनिट सेल से इसलिए हाफ ही आएगा सिक्स मल्टीप्लाई वन बाई टू मिज देर आर नंबर ऑफ द आपको स्पीयर्स फॉर द यूनिट सेल इन एफ सी सी देर आर फोर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एटम्स अलॉन्ग द डायगोनल आर टच टू इच अदर जो डायगोनल में होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं तो देख लो भाई यहाँ पे उन्होंने दिखाया है ए बी सी एक आपका राइट एंगल ट्रैंगल दिया है और यहाँ पे ए सी जो है देख लीजिए फोर आर आएगा क्योंकि वन टू थ्री फोर रेडियस दिख रही है आपको इसकी एक रेडियस ये पूरा है तो डायमीटर मतलब टू आर और नीचे वाला आर तो ऐसे फोर आर आ गया तो ए सी इज इक्वल टू फोर आर अब हम ले लेते हैं ए बी सी ए राइट एंगल ट्रैंगल पाथागोरस्थेरम हम अप्लाई करेंगे बाय द पाथागोरस्थेरम हमें पता है ए डायगोनल है जो 90 डिग्री के सामने वाला है ए डायगोनल जो है उसका स्क्वायर बाकी जो दो उसकी साइड्स है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है सो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी स्क्वेयर दिस इज बाय पाइथागोरस थेरम ठीक है तो चलो भाई ए बी एज है तो ए बी एज तो ए स्क्र प्लस ए ए बी इज इक्वल टू ए ए बी स्क्र मतलब ए बी सी स्क्र मतलब ए स्क्र अब ए सी लिया है और फोर आर है राइट तो देख लो भाई यहाँ पे किस तरह से सॉरी ए सी के लिए क्या लिया था हमने जस्ट लिया ए सी के लिए फोर आर तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया टू ए स्क्र लिया और ए सी टू टू ए उसका स्क्वायर रूट लिया तो ए सी का ए सी और टू ए का टू का स्क्र रूट टू ए का ए तो इस तरह से फोर आर इज इक्वल टू रूट टू ए तो ए की वैल्यू आएगी फोर अपॉन फोर आर अपॉन रूट टू चलो भाई फोर को हम दो तरीके से लिखते हैं टू मल्टीप्लाई टू फोर को क्या लिखते हैं टू मल्टीप्लाई टू और वन और टू को हम दो बार स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट टू लेते हैं आई अगेन रिपीट फोर को लिखेंगे टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई आर अब इसी टू को हम एक वन टू को लिखते हैं दो बार रूट टू टू रोबार्ट टू, टू लेंगे और डिवाइडर ऑलरेडी रूट टू है तो वन रूट टू विल बी कट आउट टू रूट टू आर दिस इज द वैल्यू फॉर ए ठीक है अब हमें पता है ए की वैल्यू मिल गई तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट इज इक्वल टू ए क्यूब तो टू रूट टू आर का क्यूब तो ये हमें पता है इसका अगर क्यूब लेंगे तो थ्री टाइम्स हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट मीन्स टू रूट टू मल्टीप्लाई टू रूट टू मल्टीप्लाई टू रूट टू थ्री टाइम्स टू 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 मतलब एट और ए रूट टू रूट टू मतलब टू हो जाएगा तो सिक्सटीन और एक रूट टू बचा है तो सिक्सटीन रूट टू आर क्यू और यहाँ पर फोर्स पियर है हमने वॉल्यूम एक यूनिट सेल का लिया लेकिन फोर्स एटम से बनता है पूरा का पूरा एफ नंबर ऑफ आइटम्स स्पीयर मीन्स आइटम बता रहा है यहाँ पे आपके एफ में फोर आइटम्स होते हैं तो फोर मल्टीप्लाय फोर बाय थ्री पाई आर क्यू तो सिक्सटीन बाई थ्री पाई आर क्यूब आ गया वॉल्यूम ऑफ द फोर स्पीयर तो चलो भाई पैकिंग इपेशनसी वॉल्यूम कितना है सिक्सटीन बाई थ्री पाए आर क्यूब कितना है सिक्सटीन बाई थ्री पाए आर क्यूब एक टोटल उसका वॉल्यूम है राइट और यहाँ पे यूनिट सेल का वॉल्यूम एक्चुअली कितना आया है सिक्सटीन रू टू आर क्यूब मतलब उतनी इसकी कैपेसिटी है और इतना वॉल्यूम समाया हुआ है तो चलो भाई पैकिंग इफेजेंसी में वॉल्यूम ऑफ द फोर स्पीयर यूनिट सेल मीन्स फोर आइटम एंड टोटल तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट तो सिक्सटीन बाई थ्री पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय सिक्सटीन रूट टू आर क्यूब मल्टीप्लाई हंड्रेड और ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता ही है पाई वैल्यू आती है थ्री पॉइंट वन फोर टू और रूट टू की वैल्यू आती है वन पॉइंट फोर वन फोर ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद सेवेंटी फोर परसेंट आता है तो ए हो गया हमारा क्यूबिक क्लोज पैक या एफसीसी या हेक्सागोनल की पैकिंग एफिसेंसी अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बॉडी बी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक क्लोज पैक की जिसमें नंबर ऑफ द एटम्स एट द कॉर्नर एट एंड वन होल एटम एट द सेंटर ऑफ द बॉडी सेंटर सपोज एज ऑफ द लेंथ इज ए चलो भाई एज ले, ले लेते हैं रेडियस ऑफ इच स्पीयर और एटम इज स्मर देर आर एट स्पीय एट द कॉर्नर राइट स्पीयर मीन्स एटम्स एंड वन इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल और एक एटम आपके सेंटर में है बॉडी के और एट जो है आपके कॉर्नर्स में है तो यहाँ पे आपको पता ही है बी में इस तरह से दिखाया जाता है जस्ट सीयर वन टू थ्री राइट तो नंबर ऑफ द एटम्स या स्पीयर पर यूनिट सेल कितने आएंगे देखो भाई एट मल्टीप्लाई वन बाई एट एक कॉर्नर का हो गया और एक पूरा का पूरा सेंटर में है मतलब वन प्लस वन हो गए नंबर ऑफ एटम्स टू या नंबर ऑफ स्पीयर टू चलो ए डी यहाँ पे दिया ए सी डी ए डी कितना आएगा ए आर दूसरा आर ए डायगोनल है टू आर मींस फोर आ गया चलो दूसरा यहाँ पे याद दिखाया उन्होंने क्यूबिक क्लोज सॉरी बी सी सी में देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ए दिख रहा है और एक पूरा का पूरा आइटम सेंटर में तो राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं हम ए बी आपका सी ए ट्राइंगल है ए बी सी राइट इस तरह से दिखाया है जिसमें पाइथागोरस स्थेरम अप्लाई करेंगे ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ए है तो ए स्क्वेयर मीन्स टू ए स्क्र तो ए हमारा होगा ए हो गया इसका ए सी की वैल्यू यहाँ पे हमारी होगी उस हिसाब से देख लीजिए तो अब आता है ए सी डी ये नीचे दिख रहा है आपको राइट ए सी डी ये दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे हमने एक पहला वाला लिया क्योंकि ए हमारा पूरा यहाँ पे आपको दिखा रहा है उस हिसाब से पैकिंग इफिशेंसी है हमारी उसमें दिखाई हुई तो यहां पे देख लीजिए ए सी डी इस ट्राइंगल में आपको मिलेगा कि ए सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी ये पूरा आपका डायगोनल आएगा राइट तो देख लीजिए ए डी स्क्वायेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इसका ए सी के लिए वैल्यू आती है टू ए ऊपर हमने डिस्कस की टू ए स्क्वायर और सी डी के लिए आती है ए स्क्वायर तो थ्री ए स्क्वायर और ए डी की वैल्यू हमें पता ही है ए डी इज इक्वल टू दे गिवन ऑलरेडी यहाँ पे फोर आर है तो फोर आर स्क्र या दोनों का स्क्वायर रूट ले लो तो आपका आएगा फोर आर अंडर रूट थ्री ए मीन्स एक की वैल्यू आएगी फोर आर बाय रूट थ्री अब हम उसकी पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमें फिर इसमें दो चीज़ें चाहिए एक वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल तो फोर आर बाय रूट थ्री का क्यूब और फोर का क्यूब सिक्सटीन फोर सिक्सटी फोर आर क्यूब और आपका थ्री का क्यूब आता है ना थ्री रूट थ्री दे हैव गिवन दैट वन तो इस तरह से आपका आ गया ए वाला वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर और एटम के लिए हमारा पता ही है फोर बाय थ्री फाई आर क्यू तो वहाँ पे आपको पता है बीसीसी में नंबर ऑफ स्पीयर और एटम दो आते हैं तो टू मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे एट बाई थ्री पाई आर क्यू चलो भाई पैकिंग इपिशंसी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारा पैकिंग वॉल्यूम ऑफ द टू स्पीयर इन द यूनिट सेल दो स्पीयर की उसकी पूरी ए है और टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मतलब पूरे इसमें दो आइटम आ सकते इतनी उसकी कैपेसिटी लेकिन एक्चुअली टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का कितना है एट बाई थ्री पाए आर क्यूब ये टोटल वॉल्यूम दो स्पीयर का है दो आइटम का और यूनिट वाल यूनिट सेल का वॉल्यूम है सिक्सटी फोर बाई थ्री रूट थ्री आर क्यूब इंटू हंड्रेड तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाने के बाद आप पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर टू रखो रूट थ्री की वैल्यू उस हिसाब से यहाँ पे रखो तो इस हिसाब से आपको मिलेगा सिक्सटी एट परसेंट पूरा कैलकुलेशन आ जाता है आप उसमें रख सकते हैं अब आता है नेक्स्ट पार्ट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक में क्या होगा आपको पता है सिर्फ नंबर ऑफ द आइटम्स एट द कॉर्नर आते हैं तो दिख रहे कॉर्नर में दिखा है आपको राइट right? तो यहाँ पे सपोज द एज ऑफ द यूनिट सेल इज ए रेडियस ऑफ द स्पीयर इज आर एंड सिंस स्पीयर्स आर टचिंग टू ईच अदर ए स्पीयर आपस में टच कर रहे हैं तो ए आर आर तो दो आर आ जाएगा एज की वैल्यू मतलब ए जो एज है उसकी टू आर अब नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे ईच स्पीयर यहाँ पे दिख रहा है आपको ई पीयर्स एट द कॉर्नर आर देखो कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड ईच स्पीयर एट द कॉर्नर शेयर बाय एट यूनिट सेल आपको पता है हर एक जो स्पीयर मतलब नंबर ऑफ एटम्स आपके कॉर्नर में और है और एट कॉर्नर्स है राइट एट यूनिट सेल से वो शेयर होता है राइट right? एक तो इस हिसाब से नंबर ऑफ़ द स्पीयर पर यूनिट सेल वन बाय एट मल्टीप्लाई एट इज इक्वल टू वन सो वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर एक ही स्पीयर है वो एक ही आइटम आया फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए क्यूब ए की वैल्यू यहाँ पे टू आर है मतलब एट आर क्यूब तो पैकिंग इफिशेंसी बराबर जो वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर कितना है फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इन टू हंड्रेड और वो आता है आपका एट आर क्यूब ओ आर क्यूब आर क्यूब आपका यहाँ पर चला जाएगा और पाई की वैल्यू आप रखोगे थ्री पॉइंट फोर वन फोर टू तो ये पूरा आपका कैलकुलेशन आता है फिफ्टी टू पॉइंट फोर तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला बताया और लोकेशन ऑफ दैट ट्रेडर बॉइड लोकेटिंग टेटाइडल वॉर्ड्स एंड ऑक्टाइडल वॉर्ड्स और बाद में यहाँ पे पैकिंग इफिसंसी हमने थ्रीन स्ट्रक्चर के लिए डिस्कस की राइट right? तो इस हिसाब से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कोई सजेशन होगा तो ज़रूर दीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स या उसको शेयर कीजिए थैंक यू